अंबरनाथ मध्ये गुलाबराव करंजुले प्रतिष्ठानच्या वतीने बागेश्वर महाराज यांचा 3 दिवसीय कथेचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। या कार्यक्रमाला भरघोस प्रतिसाद मिळाल्यानंतर स्वतः बागेश्वर महाराज हे देखील भारावून गेले असून त्यांनी आयोजक अभिजीत करंजुले यांच्यावर महाराष्ट्राची जबाबदारी सोपवली आहे। हिंदू राष्ट्र स्थापना करण्यासाठी जो अभियान राबवण्यात येत आहे त्याची महाराष्ट्राची सर्व जबाबदारी आणि महाराष्ट्राच्या सदस्यत्वाची जबाबदारी अभिजीत करंजुले यांच्यावर सोपवण्यात आले। स्वतः बागेश्वर महाराज यांनी व्यासपीठावरून याची घोषणा केली। नेमके बागेश्वर महाराज यांनी काय घोषणा केली ते पाहूयात। एक बार हमारे बड़े ही प्रिय अभिजीत के लिए जोरदार ताली देकर के इनको धन्यवाद दीजिए, इन्होंने पूरा महाराष्ट्र हनुमानमय बना दिया। हमारे श्री गुलाबराव जी और इनके पिताजी, इनका पूरा परिवार, आज इनके पूर्वज भी ऊपर बैठे बैठे धन्य मना रहे होंगे कि हमारे वंश में एक ऐसा पूत सपूत हुआ है जिसने पूरे महाराष्ट्र को राम से जोड़ने का काम किया है। ऐसे ही सनातन धर्म की ध्वजा तुम लहराते रहो और हम एक जिम्मेवारी तुमको देते हैं, महाराष्ट्र में हिंदू राष्ट्र बनाने की जो हमारी यात्रा है उसमें सदस्यता का भार और पूरे महाराष्ट्र का प्रभार तुम्हारे ऊपर है। ये तुम्हें आज्ञा है और हमारे इस संकल्प को पूरा करो ताकि हम जीते जी भारत को हिंदू राष्ट्र देखें। कौन कौन चाहता है ऐसा? ये देखो, ये हमारा अपने लिए नहीं है, हम तो तुम लोगों के लिए ही इतनी आफतें, नोटिस, FIR खा रहे हैं। इसमें हमारा कोई फायदा नहीं, ना तो हमें राजनीति में जाना है, ना हमें किसी पॉलिटिक्स का सहयोग करना। हमारा ध्येय सनातन धर्म का था, है और जब तक जिएंगे तब तक रहेगा। कौन कौन साथ है? पक्का? अगर कोई विरोध करेगा तो ठठरी कौन कौन मारेगा? पक्का? तो रख लो माला और भाला, करो तैयारी, घर घर जाएंगे अब भगवाधारी।